बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही ग्रामीण इलाकों में चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। प्रशासन पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुट चुका है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रत्याशियों से लेकर के मतदाताओं तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि प्रत्याशियों और मतदाताओं को उन गाइडलाइंस का पालन करना होगा, वरना उन पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 24 सितंबर से शुरू होने वाले इस पंचायत चुनाव की पहले चरण की अधिसूचना जो है कल यानी 23 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी मैदान में अपने भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन जारी कर चुका है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार धार्मिक स्थल जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा से नहीं किया जा सकता है। अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आई तो संबंधित उम्मीदवार हर हाल में अयोग्य घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रचार प्रसार में सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कोई भी अभ्यर्थी नहीं कर सकता है। किसी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर किसी तरह की टिप्पणी कोई उम्मीदवार नहीं कर सकता है, ना ही जातिगत या फिर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले बयान उम्मीदवार नहीं दे सकते हैं। अगर कोई फिर भी ऐसा करता है तो ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों के ऊपर सीधे कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव में पोस्टर बैनर लगाने की छूट तो दी गई है, लेकिन इसके लिए कई मांगों को पूरा करना भी अनिवार्य होगा। पोस्टर बैनर बनवाने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा। अगर जिले के बाहर या दूसरे राज्य में पोस्टर या बैनर कोई उम्मीदवार बनवाता है तो उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी अनुमति लेनी होगी। जहां पोस्टर बैनर जिले के अंदर अगर कोई उम्मीदवार बनवा रहा है तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम और उस पर खर्च का विवरण देने के साथ ही संख्या भी अंकित करना जरूरी होगा। अगर कोई उम्मीदवार नुक्कड़ सभा आयोजित करवाता है तो इसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। साथ ही किसी दूसरे के मकान पर बिना सहमति के पोस्टर बैनर कोई भी उम्मीदवार नहीं लगा सकता है। इसके लिए प्रखंड निर्वाचन से उसे अनुमति लेना होगा। चुनाव प्रचार प्रसार इस बार 48 घंटे पहले ही बंद कर दिया जाएगा। प्रत्याशी अपने आवास और कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय भी खुद खोल सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना सीधे जिला निर्वाची अधिकारी को देना होगा और ये स्पष्ट करना होगा कि चुनाव कार्यालय कहां पर है। गौरतलब हो कि कई बाधाओं के बाद आखिरकार बिहार में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। 24 सितंबर से बिहार में पंचायत चुनाव होंगे जो कि 12 दिसंबर तक चलेंगे। कुल इस बार 11 चरणों में बिहार में पंचायत चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से उम्मीदवार से लेकर के मतदाताओं तक के लिए जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई है। मतदाताओं के लिए कहा गया है कि वोटिंग देने समय आपको मास्क पहनना अनिवार्य है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूर्ण रूप से करना है। अगर कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस के खिलाफ जाता है, उसके विरुद्ध जाता है, तो फिर सीधा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस बार पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।